चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। हेलो गौरी जी, अदिति जी, अर्जुन जी, ऋषभ जी और शिष्टि जी। चलिए, गुड इवनिंग किरण जी। यार ये ऐड कब बनाऊंगी। हाँ तो आज का सेशन शुरू करते हैं अपन, केस स्टडी 18। चलिए आइए पहला वाला पार्ट देखेंगे। टिपिकली अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड फॉर सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड कंसिडरेशन इज रिसीव्ड ऑन द इवेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर प्लेस। द कॉस्ट ऑफ ईच मोल्ड इज 400। ठीक है, हर एक मोल्ड का कॉस्ट हमारा 400 है। सेलिंग प्राइस 450 है। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल कस्टमर टू रिटर्न द अनयूज्ड मोल्ड विद इन 30 डेज। कस्टमर चाहे तो 30 दिन में रिटर्न कर सकता है, उसको फुल रिफंड मिल जाएगा। The estimated cost of recovering the mold is immaterial and expects the refunded mold to be resold. ये जो अगर उसने वापस कर दिया, मोल्ड उसने वापस कर दिया, तो आप इसको वापस से सेल भी कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं आप। 10,000 मोल्ड आपने बेचे हैं और एक्सपेक्टेड है कि 3% मोल्ड रिटर्न आते हैं बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। वट इज द रेवेन्यू टू बी रिकोगनाइज। फटाफट निकाल के बताएंगे, वट इज द रेवेन्यू टू बी रिकोगनाइज। गुड इवनिंग ऋषभ जी और गुड इवनिंग पार्श्वा जी। चलिए स्टार्ट कीजिए, बताइए व्हाट इज द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड। फटाफट सभी लोग ₹400 का कॉस्ट है, ₹450 का सेल प्राइस है, 30 दिन तक रिटर्न करने का एक्सपेक्टेशन है, रिटर्न हुआ तो फुल रिफंड करना है, रिटर्न के रिकवरी कॉस्ट इमटेरियल है, 10,000 मोल्ड आपने बेचे हैं, 3% एक्सपेक्टेड है कि रिटर्न हो सकते हैं। चलिए गुड इवनिंग रॉर गेमिंग जी। अर्जुन जी ने निकाला है 45 लाख। चलो देखते हैं, 10,000 × 450। अरे इतना आसान आंसर थोड़ी रहेगा अर्जुन जी। 450 × 10,000 × 97%, क्योंकि 3% तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैसा लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। 3% रिटर्न आ जाएगा तो पैसा लौटाना पड़ेगा, तो उसे रेवेन्यू का पार्ट थोड़ी मानेंगे, वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, उसको कस्टमर लाइबिलिटी में डाल देंगे। तो ऋषभ जी का आंसर सही है, अदिति जी का आंसर सेम है, सही है। और गिविंग ये बेसिक क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन से ध्यान दीजिए, इतना कुछ खास नहीं था। किरण जी वेरी गुड, अर्जुन जी समझ गया होगा। बाकी का जो डिफरेंशियल पैसा मिला है ना, वो डिफरेंशियल पैसा कस्टमर लायबिलिटी में पड़ा रहेगा। चलो यहाँ से ध्यान देते हैं, बहुत बढ़िया आनंद जी। 1st April 2003, मेकर्स लिमिटेड रेज्ड अ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम अ फॉरेन इन्वेस्टर। तो एक फॉरेन इन्वेस्टर से आपने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया। इन्वेस्टर सब्सक्राइब फॉर 6 million FCY लोन नोट्स एट पार। तो आपने लोन रेज किया और इन्वेस्टर्स ने 6 million फॉरेन करेंसी के इस पे सब्सक्राइब किया, यानी कि आपको लोन फॉरेन करेंसी में मिला है। मेकर्स लिमिटेड इनकर्ड इंक्रीमेंटल इशू कॉस्ट ऑफ 2 lakh फॉरेन करेंसी। तो 2 lakh का खर्चा आपका फॉरेन करेंसी में निकला है। अरे वाह रोर गेमिंग जी, निकल दिया आपने, करेक्ट करेक्ट। इंटरेस्ट है 6 lakh का, ठीक है, इंटरेस्ट 6 lakh रुपए का पे किया गया है। लोन यानी इंटरेस्ट एनुअली अरियर पे होगा, ईयर एंड पे। रीपेबल है 31st March 2024। अब ये डेट में कुत्तों भी गड़बड़ है, X4 से 2024 चला गया है, यहाँ पे डेट में कुत्तों भी गड़बड़ है, एक बार आंसर में देख लीजिएगा, पर ठीक है, मेरे को लगता नहीं डेट का कुछ काम होगा। प्रीमियम पे होगा और अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 12% अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब अप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर और एवरेज रेट भी दिया हुआ है। आपको मुझे बताना है कि अकाउंटिंग किस तरह से हुई होगी, सोच समझ के बताइएगा। पहले मैं फॉरेन करेंसी में लिख देता हूँ, आप मुझे एवरेज रेट पे बताएंगे। ओपनिंग इंटरेस्ट हम क्या रेट से चार्ज करेंगे बताइएगा, पे क्लोजिंग। ओपनिंग कितना लिखूँ, ओपनिंग कितना लिखूँ, हमने लोन लिया 1st April 2003 को, 6 million फॉरेन करेंसी में लिया हमने, ठीक है। अभी आप फॉरेन करेंसी में ही बताइए, कुछ भी लोकल करेंसी में मत बताना मुझे, कुछ भी लोकल करेंसी में मत बताना। इसे लेने के लिए खर्चा लग गया 2 lakh। हाँ वो इंटरेस्ट 6 lakh पे करेंगे एनुअली, ईयर एंड अरियर्स पे, यानी कि यहाँ पे तो पेमेंट पे तो 6 lakh रुपये रहेगा, ये तो पक्का है। अप्रोप्रिएट रेट अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 12% आपको दिया गया और फिर कुछ करेंसी रेट दिए हुए हैं। फॉरेन करेंसी का इंपैक्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन लोन की अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं। तो किरण जी ने निकाला है 58, अर्जुन जी ने भी वही निकाला है, गौरी जी ने भी वही निकाला है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
तो यहां 58 लिख देता हूं। इंटरेस्ट चार्ज होगा 12%, है ना, 12%। पार्श्वाजी कुत्तों भी गड़बड़ हुई थी। तो 58 पे 12% हो जाएगा 6.96। पे किया 6, इंटरेस्ट ऐड होता है, पेमेंट माइनस होता है, तो 58 प्लस 6.96 माइनस 6, क्लोजिंग हो जाएगा 58.96। ठीक है, यहां तक सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दो तीन रेट दिए हैं, ऑब्वियसली बात है, जब मैंने लोन लिया तब मैंने 2.5 के हिसाब से अकाउंटिंग की होगी, तो यहाँ तो 2.5 के हिसाब से कन्वर्शन हुआ होगा। अब बताओ मैंने जो EIR पे इंटरेस्ट चार्ज किया है वो कौन से रेट के ऊपर वो वाला इंटरेस्ट लेंगे, यानी उसकी अकाउंटिंग हम लोग क्या रेट से कन्वर्ट करके करेंगे, 2.75, 2.42, 2.5, तीनों में से कौन सा वाला रेट, जो ईयर एंड पे एक्चुअली पे हुआ, जो 6 लाख रुपए एक्चुअली पे हुए, यानी हमने जो पे किया इंटरेस्ट एक्चुअली 6 लाख रुपए, उसकी अकाउंटिंग हमने क्या रेट से की, 2.5, 2.75, 2.42। ठीक है, फटाफट बताएंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया रॉर गेमिंग जी, चलो क्लोजिंग तक के निकाल दिया आप लोगों ने, आगे बताइए। एवरेज 2.42, क्या बात है, क्या बात है, यस, इसकी अकाउंटिंग 2.42 से हुई। ये 6 लाख के पेमेंट की अकाउंटिंग क्या रेट से हुई होगी, एक्चुअल पेड अर्जुन जी ने निकाला है 2.75, शाबाश। और ये क्लोजिंग की अकाउंटिंग क्या रेट से होगी, मैं तब तक के बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 58 इंटू 2.5, ये 145 हो गया, 6.96 इंटू 2.42, 16.84, दो डेसिमल तक के लिख लेता हूँ मैं, 6 इंटू 2.75, 16.5 पेमेंट एट क्लोजिंग रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पेमेंट क्लोजिंग रेट बहुत बढ़िया। चलो किरण जी ने भी फिर आखिरी वाले का निकाला 2.75, तो 58.96 मल्टीप्लाइड बाई 2.75, 162.14 होना चाहिए। ये ऐड होगा, ये माइनस होगा, यहाँ तक देखें तो 145 प्लस 16.84 माइनस 16.5, यहाँ तक हो रहा है 145.34। यार ऐसा क्यों हो रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस आ गया, 14.5, हाँ रफली है उतना डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस का क्या करेंगे, फटाफट सभी लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे। डिफरेंस पीएल में जाएगा एज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, क्या बात है परशुआ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो दोनों के बीच का आपका डिफरेंस है 145.34 माइनस 162.14, 16.8 का डिफरेंस आ रहा है। ये 16.8 का जो डिफरेंस है ये आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, ये पीएल में जाएगा। ठीक है, पीएल में जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताइए, अगर इस लोन की अकाउंटिंग FVOCI हो रही होती, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी अब वो लाइबिलिटी साइड में तो होता नहीं है, लाइबिलिटी साइड में नहीं होता है, सपोज कीजिए कि आपने इन्वेस्ट करके रखा है, यानी जो इस जो इन्वेस्टर था ना, जिसमें जिसने इसमें पैसा डाल के रखा है, वो इसकी अकाउंटिंग कर रहा है एज FVOCI, तो फिर ये जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होता है इसका क्या होता, तो क्या ये OCI में जाता, क्या ये PL में जाता, सोच समझ के बताइएगा। ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का आप क्या करते थे, इन्वेस्टर इन्वेस्टर अगर इसकी अकाउंटिंग FVOCI कर रहा है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कहां पे जाता था, OCI या PL, सोच समझ के आंसर दीजिए प्लीज। तो भी PL में जाता है ऐसा पार्श्वाजी का कहना है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, तब भी ये PL में ही जाता। ध्यान रखिए फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इज कवर्ड बाय इंड एस 21, इट इज नॉट गवर्न बाय इंड एस 109। ठीक है, सिर्फ फेयर वैल्यू डिफरेंसेस OCI में जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वैसे भी PL में ही जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ये वाला कंसेप्ट क्लियर है, तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, दो क्वेश्चन हो गए अपने, तीसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं अपन लोग। ठीक है, नहीं सृष्टि जी PL में जाएगा, ध्यान रखेंगे, गुड इवनिंग रिदम जी। मेकर्स लिमिटेड ने अक्वायर किया है 65% शेयर ऑन 1 जून ऑफ डी लिमिटेड विच इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मशीन। डी लिमिटेड हैज 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, सामने वाले के 1 लाख शेयर है, आपने 65% अक्वायर किया है, ऐसा इनका कहना है। कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ डी जिसके आपने अक्वायर किया 12 रुपये, उसके नेट एसेट्स का फेयर वैल्यू 80 लाख रुपये। ठीक है, सामने वाले का पूरा डिटेल दे दिया आपको। मेकर्स लिमिटेड यानी आपने पे किया 50 लाख कैश में, और आपने 50,000 खुद के इक्विटी शेयर्स दिए एज परचेज कंसिडरेशन। कोटेड मार्केट प्राइस है 25 रुपीज़ पर शेयर। यहाँ तक के मेरे को पहले PC निकाल के दे दीजिए, यहाँ तक पहले PC निकाल के दे दीजिए। सृष्टि जी ऋषभ जी आप लोग समझ गए होंगे, वो जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है वो PL में ही जाएगा। ठीक है, सृष्टि जी ने बोल दिया था क्लियर। ठीक है, PC निकाल के दीजिए मुझे।
65% शेयर्स अक्वायर किए हैं, 1 लाख शेयर्स है सामने वाले के, सामने वाले के शेयर का फेयर वैल्यू 12 रुपये है और उसके नेट एसेट्स 80 लाख के फेयर वैल्यू है। आपने 50 लाख कैश दी, 50,000 इक्विटी शेयर दिए, आपके फेयर वैल्यू, आपके शेयर का फेयर वैल्यू 25 रुपये है, तो वॉट इज़ द पी सी? 62.5। क्या बात है अरुणा जी, 72.3 कहाँ से आया, क्या गड़बड़ किया आपने? 62.5 लाख, 50 लाख प्लस 15 × 25, ठीक है। सिक्सटी टू पॉइंट फाइव इज करेक्ट, बढ़िया बढ़िया। मेकर्स लिमिटेड एग्री टू पे एडिशनल कंसिडरेशन ऑफ 15 लाख। मेकर्स लिमिटेड बोलते हैं कि हम एडिशनल कंसिडरेशन देने को तैयार है इफ, ठीक है, कॉन्टिजेंट है, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट अर्न एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज। अगर क्यूमुलेटिव प्रॉफिट 1 करोड़ के ऊपर जाएगा तो देंगे हम, पर ये 3 साल बाद देंगे। ऑन दैट डेट डी असेस्ड एंड डिटरमाइंड दैट कंसिडरेशन प्रोबेबल फॉर एक्स्ट्रा कंसिडरेशन वगैरह सब कुछ बोला उन्होंने, और उन्होंने बोला कि फेयर वैल्यू है इसका 980,000। क्या ये पीसी का पार्ट होना चाहिए बताइए? 150,000 का खर्चा लगा है रिलेशन टू एक्विजिशन, इस एक्विजिशन से रिलेटेड 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया, क्या ये हमारे पीसी का पार्ट होना चाहिए बताइए? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, 3 सवाल पूछ लिए मैंने, तीसरा सवाल है एनसीआई का वैल्यू बताइए। पहला सवाल नॉसी का क्या करना है, दूसरा सवाल 1.5 लाख रुपए का क्या करना है, तीसरा एनसीआई का फेयर वैल्यू बताइए, ठीक है। तो 9.8 पीसी का पार्ट होगा, ये अर्जुन जी ने भी बोला है, ऋषभ जी सभी लोग यस बोल रहे हैं कि हाँ ये पीसी का पार्ट होगा। 9.8 या 9.8 का प्रेजेंट वैल्यू, 3 साल बाद देना है, 9.8 या 9.8 का प्रेजेंट वैल्यू सोच समझ के बताइएगा। 1.5 पीएल में जाएगा, क्या बात है, यस वेरी गुड, ये पीएल में जाएगा क्योंकि एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट है। अब ध्यान रखिएगा, अगर वहां लिखा है कि इसमें से कोई अमाउंट तो वो शेयर इशू के लिए लगा था, ये जो 50,000 शेयर आपने इशू किया उसके लिए लगा था, वो पीएल में नहीं जाएगा। अगर शेयर इशू कॉस्ट है तो पीएल में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट है, बस लीगल कॉस्ट वगैरह कुछ भी बोल दीजिए, तो पीएल में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो एनसीआई का वैल्यू पार्श्वा जी ने निकाला है 4.2, ऑलरेडी फेयर वैल्यू है, ऋषभ जी ने बोला यानी प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेना है, क्या बात है। विशाल जी ने आंसर भी निकाल दिया, गुडविल निकाल के बैठे, क्या बात है क्या बात है। चलो देख लेते हैं, 35,000 शेयर्स 12 रुपए के हिसाब से 4.2 एनसीआई, 4.2, वेरी गुड पार्श्वा जी, वेरी गुड अर्जुन जी। चलो तो 62.5 प्लस 9.8 आपका पीसी 72.3 हो गया। अच्छा अरुणा जी आपने ये निकाल दिया था सीधा, अरुणा जी अपने से 2 कदम आगे चल रहे हैं अपन सब लोगों से। तो 72.3 आपका पीसी, 4.2 एनसीआई का मेजरमेंट, 80 के नेट एसेट्स। किसी ने गुडविल निकाला था, कुछ गड़बड़ होगी, मेरे को गुडविल नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है बागिन परचेस होना चाहिए। हाँ बागिन परचेस है ना, 3.5 का गुडविल निकाला था ना किसी ने, 3.5 गुडविल नहीं, विशाल जी गुडविल नहीं है, बागिन परचेस, ठीक है। शेयर इशू कॉस्ट किधर जाएगा, इक्विटी, हाँ पार्श्वा जी, शेयर इशू कॉस्ट इक्विटी में एडजस्ट होता है। रिदम जी आपने भी गुडविल बोला, गुडविल कहाँ है, बागिन परचेस है। ऋषभ जी 13.3 नहीं, आप ये ऐड करना भूल गए, आप 9.8 ऐड करना भूल गए ऋषभ जी, ठीक है 3.5 बागिन परचेस। एग्जाम में ना यार ये गड़बड़ मत करके आना, गुडविल लिख के आ जाओगे पूरे मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है, पूरी की पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, ध्यान रखना एग्जाम में। थोड़ा सा एग्जाम में ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि अपन गुडविल लिख के आ जाए डिफरेंस को, यानी पूरा सही किया, कैलकुलेशन भी सही किया, सिर्फ नाम गलत लिख के आ गए, ऐसा मत कीजिएगा। चलो अब आपको दिया हुआ है कुछ डेटा, सेल प्रॉफिट एसेट्स, इंडेस 108 का क्वेश्चन है। पहले तो मैं एक एक करके पूछूंगा आप लोगों को, हमें बताना है कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है, एक एक करके पूछूंगा। पहले मुझे एसेट बेसिस पे बताइए कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है। आई होप आप लोग रूल जानते हैं, रूल क्या होता है, या तो टोटल सेल्स या तो प्रॉफिट्स, प्रॉफिट अलग अलग, प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट अलग, लॉस मेकिंग सेगमेंट अलग, यहाँ पे लॉस मेकिंग सेगमेंट है ही नहीं, या एसेट्स, इनमें से जिनमें भी 10% की लिमिट एक्सीड करते हैं वो वाले सेगमेंट्स रिपोर्टेबल सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे और कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं मतलब वो सेगमेंट रिपोर्टेबल है। तो बताइए एसेट के बेसिस पे कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है। सर बार्गेन परचेस की जगह गुडविल लिख दिया, अच्छा 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 रॉ जी क्रेडिट नहीं, बार्गेन परचेस गेन 3.5 कैपिटल रिजर्व, ओके नहीं रॉर गेमिंग जी करेक्ट बोल रहे हैं, अर्जुन जी आप कैपिटल रिजर्व नहीं लिख सकते, ठीक है ना, आपने अगर क्रेडिट लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल रिजर्व एग्जाम में मत लिख के आना, बाकी परचेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट बी ऑल, बी को छोड़ के बाकी सब के सब, चलो देखते हैं। 57 का 5.7 हो गया, तो यस बी छोड़ के बाकी सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल हो रहे हैं। प्रॉफिट के बेसिस पे बताइए कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल हो रहे हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे
प्रॉफिट के बेसिस पे बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर एकदम सही चल रहा है। प्रॉफिट के बेसिस पे कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है? ऑल एक्सेप्ट ए, यानी अब देखा जाए तो एसेट के बेसिस पे ए रिपोर्टेबल हो गया, प्रॉफिट के बेसिस पे बी सी डी हो गया, यानी सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल है। अब मैं सेल चेक नहीं करूंगा, पर फिर भी आप लोग मुझे ये बताइए, सेल में मैं टोटल सेल का फिगर देखूंगा, एक्सपोर्ट देखूंगा, डोमेस्टिक देखूंगा? इनफैक्ट इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ ये इंटरनल सेल्स है और इसको मैं लिख देता हूँ ये एक्सटर्नल सेल्स है। तो मुझे बताइए टोटल सेल देखेंगे, इंटरनल देखेंगे, एक्सटर्नल देखेंगे, यानी 10% क्राइटेरिया चेक करने के लिए कौन सा वाला देखना है, इंटरनल, एक्सटर्नल या टोटल? फटाफट बस इतना सा बता दीजिए, बाकी सब कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। बढ़िया बढ़िया, 10% के लिए टोटल लेंगे, ऐसा अर्जुन जी ने कहा है। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। टोटल लेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सेल देखा जाता है। वो जो 75% वाली क्राइटेरिया है उसके लिए सिर्फ एक्सटर्नल देखा जाता है, ठीक है? 75% वाली क्राइटेरिया, 75% वाली क्राइटेरिया के लिए सिर्फ एक्सटर्नल देखेंगे, बाकियों के लिए टोटल देखेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, सृष्टि जी बोथ, ठीक है, विशाल जी बोथ, ऋषभ जी बोथ, ध्यान रखिए। पार्श्वा जी टोटल सेल एक्सटर्नल ओनली, कुछ तो भी गड़बड़ हुई पार्श्वा जी, आपने क्या बोला उसमें? 75% क्राइटेरिया के लिए सिर्फ एक्सटर्नल देखते हैं, ठीक है? बाकी ध्यान रखिए 10% क्राइटेरिया के लिए दोनों, इंटरनल एक्सटर्नल का टोटल हमेशा याद रखेंगे सब लोग। अगले पे आते हैं, और इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर देना, ये मैट रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आईसीआई न्यूली एडेड क्वेश्चंस में शायद ऐड हुआ है। ये मेकर्स लिमिटेड डज नॉट हैव टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉस, बट मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट्स। तो आपका इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट नहीं आ रहा, पर मैट के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है, मैट के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है तो आपने मैट भरा होगा, है ना? तो टैक्स इज बीन पेड कैरीड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, 10 साल तक के कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कंपनीज प्रोजेक्शन सबमिटेड टू द बैंकर इज इन द पोजिशन टू गेट क्रेडिट ऑफ द सेम फ्रॉम 8th ईयर। आपको लग रहा है 8वें साल से प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, वो लाइन ये बोल रहा है कि बैंक को दिए हुए प्रोजेक्शन के हिसाब से हमें ये समझ में आता है कि 8वें साल से तो हम प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, है ना? 8वें साल से हम प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, तो इसीलिए मैट क्रेडिट हमने हमारे बुक्स में दिखाया था। ये मैट क्रेडिट दिख रहा है 8 करोड़ 50 लाख का ऑन 31st मार्च 2003 और 9 करोड़ 75 लाख का ऑन 31st मार्च 2004। क्या करना है मैट क्रेडिट का एज पर इंडियस, एज पर इंडियस मैट क्रेडिट का क्या होता है, फटाफट बताएंगे, बताइए। इंटरनल मीन्स इंटर कंपनी, हाँ आनंद जी करेक्ट। अर्जुन जी इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड, अर्जुन जी आपका सवाल क्या है? ओके, अर्जुन जी ने कंसोलिडेटेड करके लिखा है। ए बी सी डी एक बात समझ लीजिए, ये सेगमेंट्स है, ये सब्सिडियरीज नहीं है। इंटरनल सेल सेगमेंट में भी होते हैं, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को भी इंटरनल सेल करता है, ठीक है? तो इंटरनल सेल सेपरेट बैलेंस शीट में भी दिखता है, कंसोलिडेटेड की कोई लेना देना नहीं है सच उससे। चलिए, तो बलजिंदर जी का कहना है करंट एसेट्स, ओके। विवेक जी का कहना है डी टी ए। अरुणा जी ने डिफरेंस निकाला है, पर करना क्या है अरुणा जी, वो डिफरेंस का इनकम बुक करेंगे एज डी टी ए, चलो ठीक है डी टी ए, वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान रखेंगे ये डी टी ए दिखेगा, ये भी डी टी ए दिख रहा होगा, डिफर टैक्स एसेट दिख रहा होगा, मैट इज शोन एज डी टी ए एज पर इंड एज, बहुत सिंपल रूल है। जो डिफरेंस है वो भी डी टी ए ही दिख रहा होगा, पी एल से रूट होके आया होगा, सिंपल कहानी है। तो बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों के आंसर सही है। शोन एज बैलेंस हेल्ड विद गवर्नमेंट अथॉरिटी, नहीं नहीं रंजीत जी ऐसा नहीं होगा, ये डी टी ए दिखेगा आपके बुक्स में, ठीक है? नथिंग विद गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से आपको कोई हेल्ड नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ आपको एक बेनिफिट दे रही है कि हाँ ठीक है भाई क्रेडिट ले लेना, गवर्नमेंट तो आपसे टैक्स ले चुकी है। अगर आप बोलोगे बैलेंस हेल्ड विद गवर्नमेंट अथॉरिटी तो भैया रिफंड भी मांग सकता हूँ मैं, उसको बोलते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटी का बैलेंस पड़ा है, जैसे जीएसटी क्रेडिट पड़ा होगा तो भाई मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ, तो वो सब चीज़ें नहीं बात हो रही है यहाँ पे, वो नहीं है, ये डी टी ए होगा, सिंपल रूल याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। कंपनी हैज आइडेंटिफाइबल एसेट क्यू आर विथ कैरिंग अमाउंट 10 लाख रुपीज, इट्स रिकवरेबल अमाउंट 6 लाख 50,000 रुपीज, टैक्स बेस ऑफ क्यू आर इज 8 लाख एंड टैक्स रेट इज 30%। तो कैरिंग अमाउंट 10 लाख रुपए, रिकवरेबल अमाउंट 6.5 लाख रुपए, पर टैक्स बेस 8 लाख रुपए है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, तो कैरिंग अमाउंट 10 लाख, रिकवरेबल अमाउंट 6.5 लाख, टैक्स बेस
8 लाख, टैक्स रेट 30%, टैक्स का रेट है 30%, जो आपको डिसाइड करेगा डीटीए या डीटीएल है। पहले तो बताइए ओरिजिनली क्या था, इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। ओरिजिनली क्या था, डीटीए डीटीएल ओरिजिनली क्या था, फटाफट बताइए। चलिए, इंटर कंपनी इन केस ऑफ सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड इज डिफरेंट इन केस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। हाँ करेक्ट अर्जुन जी, कंसोलिडेटेड में 10% क्राइटेरिया का कहानी अलग रहेगा पूरा, यानी वापस चेक करना ही पड़ेगा 10%। वहां पे एक सब्सिडी दूसरे को सेल कर रही हो, इंटरनल सेल कहलाएगा। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हो वो सही है। पहले ओरिजिनल का बताइए मुझे, बाद में बताइएगा बाकी का आंसर। आप लोग मैक्सिमम लोग मुझे आई थिंक नेट पे ही सीधा आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग नेट पे आंसर बता दे रहे हैं, नेट पे आंसर मत बताइए अभी मुझे। ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली डीटीएल था 2 लाख पे, पार्श्वा जी ने बताया, क्या बात है क्या बात है, शाबाश। तो पहले ना टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस था 2 लाख का, वो 2 लाख पे 30%, आपने ओरिजिनली 60,000 रुपीज़ का डेफर टैक्स लाइबिलिटी दिखाया होगा। अब आपने इम्पेमेंट कर दिया, इसमें कोई वो नहीं है, रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है, तो आपने इंपेयर कर दिया, तो आपने इंपेयर कर दिया 3.5 से, है ना। अब क्या होगा फटाफट बताएंगे, अब क्या होगा फटाफट बताएंगे, मेरे को जर्नल एंट्री के तौर पे समझाइए, आप लोग जर्नल एंट्री के तौर पे समझाइए कि क्या होगा। चलिए, ओरिजिनली कहानी सही थी 2,45,000, नहीं कृष्णा जी आई थिंक आपने नेट भी बताया और शायद नेट में भी आपने गलत बताया है आंसर। कृष्णा जी एक बार ही चेक कीजिएगा। देन 3.5 लाख पे डीटीए बनेगा, ओके 0.5 पे डीटीएल नेट बनेगा, विशाल जी का कहना है। चलो हमारे पास कई सारे आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, अदिति जी ने कहा है सो डीटीए बनेगा, ओके डीटीएल रिवर्स एंड डीटीए, क्या बात है बलजिंदर जी, जबरदस्त। विवेक जी ने बताया डीटीए बनेगा, डीटीएल डेबिट टू डीटीए डिफरेंस टू पीओरएल, क्या बात है अर्जुन जी, शाबाश। देखो इनकम टैक्स तो अलाउ नहीं करता इम्पेमेंट, तो इनकम टैक्स में टैक्स बेस अभी भी 8 लाख है, तो आपका डिफरेंस अब ये 1.5 हो गया, मतलब क्या ये 3.5 से रिवर्स हो गया, ये 3.5 से रिवर्स हो गया। तो 3.5 के ऊपर अगर मैं 30% लूँ तो 1.05 से रिवर्स हो गया, यानी 0.45 हो गया। तो ओरिजिनली जो ओरिजिनल डीटीएल बनाया था पहले उसको रिवर्स करेंगे, ओरिजिनल जो डीटीएल बनाया था पहले उसको रिवर्स करेंगे, और अब डीटीए बनाएंगे नेट फिगर का। ठीक है, पूरे 1.05 का डीटीए नहीं बनेगा, सिर्फ नेट फिगर, नेट ही बैलेंस है क्या ना, अरे यही बैलेंस है क्या, यही बैलेंस है क्या, कोई 1.05 थोड़ी रह गया। तो डीटीए बनेगा 0.45 का, एक मिनट ये गलत है, डेबिट होगा डीटीए, डेबिट होगा डीटीए, रुक जाइए, डेबिट होगा डीटीए 0.45, इतना पूरा का पूरा डिफरेंस आपके पीएनएल में गया। ठीक है, सीधी बात है ना, ये 1.05 के ऊपर फ्यूचर में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो बलजिंदर जी और अर्जुन जी ने आंसर दिया था बहुत बढ़िया, शाबाश। डिटेल अकाउंट डेबिट टू पीएल, रॉर गेमिंग जी बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, समझ गए ये वाला कंसेप्ट, ध्यान में रखेंगे सब लोग, पूरा डीटीए नहीं बनेगा, ध्यान रखिए, बहुत लोग ये गड़बड़ कर देते हैं, सर 1.05 का डीटीए बनेगा, अरे नहीं बन सकता 1.05 का डीटीए, डीटीए 0.45 का ही बनेगा। ठीक है, डीटीए 0.45 का ही बनेगा, जो पुराना डीटीएल पड़ा है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आखिरी सवाल, अब बहुत ही छोटा केस स्टडी था, आप लोग देखो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था केस स्टडी 1-2, आज हम केस स्टडी 18 तक के पहुंच गए, तब भी हम लोग बहुत पुराने आईसीआई के क्वेश्चंस कर रहे थे, ऐसा नहीं है अभी भी हम लोग आईसीआई के पुराने क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिलहाल टाइम हुआ है 6:23, पहले रिपीटेड क्वेश्चंस हम लोग करते थे तो 30 से 40 मिनट तक के केस स्टडी चलता था, इस बार आपने केस स्टडी 25 मिनट में खत्म कर दिया, तो आप लोग स्पीड समझिए, बहुत अच्छा रिविजन हुआ है, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि यानी हाँ अब ये क्वेश्चन ऐसा कोई नींद में भी कोई ऐसा जगा के पूछ ले कि यहाँ क्या करने का है इसमें, तो नींद में ही निकल जाएगा, हाँ ठीक है डीटीए बनेगा 0.45 का, उस लेवल पर प्रिपरेशन हो गई ऐसा समझ में आता है, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश। मेकर्स लिमिटेड अक्वायर ट्रेडमार्क फॉर अ प्रोडक्ट एबीसी लिमिटेड 10 ईयर्स बैक फॉर 8 लाख रुपीज़, तो 8 लाख रुपये में आपने ट्रेडमार्क अक्वायर किया था, इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ है, कैरिंग अमाउंट 8 लाख है, कॉम्पिटिशन के कारण प्रोडक्ट का डिमांड डिक्लाइन हो गया है, सेल डिक्लाइन हो गया है, और रिकवरेबल अमाउंट 6 लाख रुपये निकल रहा है, फटाफट बता दीजिए क्या करना है, बस उसके बाद आंसर खत्म, फटाफट बता दीजिए, उसके बाद केस स्टडी खत्म। डीएससी क्वेश्चन नंबर 6 रिव्यू आफ्टर एंड, डीएससी क्वेश्चन नंबर 6 मुझे समझा नहीं अर्जुन जी क्या बोल रहे हैं आप, डीईएससी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, एनालाइज द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्टमर फॉर सेल ऑफ मोल्ड एज पर आईएफआरएस, तो वो तो मैंने बता दिया ना, डिटरमाइन द रेवेन्यू रिफंड लायबिलिटी एंड एसेट टू बी रिकॉग्नाइज, तो बराबर तो ये हुआ ना अपना डिस्कस, ये 6th वाला मैंने बताया ना आपको, रेवेन्यू आप सिर्फ
43, 60। अरे ये गलत है, ये गलत है, ये रेवेन्यू है और ये रिफंड लायबिलिटी है। ठीक है, उल्टा लिख दिया। वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है। ठीक है, 2 लाख रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का आंसर एकदम सही है। तो चलो इसके साथ अपन आज का सेशन एंड करते हैं। मैंने FR की फास्ट ट्रैक बैट डिक्लेयर की है, उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो भी डाल के रखा है। आप लोगों को तो जरूरत नहीं है, आप लोग अब मेरे केस स्टडीज में भी इतने फास्ट आंसर कर रहे हो कि आप लोगों का तो एकदम प्रिपरेशन बहुत सॉलिड है। आप कि कोई आपके दोस्त वगैरह किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि उन्हें बैच करने की जरूरत है, अपन 7 तारीख से शुरू करने वाले हैं। टेस्ट योर नॉलेज अपन ने डाल के रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं सर वही क्वेश्चन कराओगे क्या, वो जो फ्री में डाल दिया वो क्यों पढ़ाऊंगा, है ना। कंसेप्ट बेस्ड बैच है, इलस्ट्रेशन करेंगे उसके अंदर में जो भी ICAI मॉड्यूल के, और मेजरली स्ट्रेस कंसेप्ट के ऊपर रहेगा कि कंसेप्ट एक बार स्टूडेंट को पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। तो कोई भी आप लोगों के दोस्त होंगे तो बिल्कुल बताइएगा कि हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने उससे डिटेल्स पूरे के पूरे वहाँ पर डाल दिए हैं। एक ड्यूरेशन नहीं डाला था, जो बैकअप है वो बैकअप का ड्यूरेशन 6 महीने के लिए अवेलेबल रहेगा। दूसरा एक और एक था डेस्कटॉप, मैंने उसके अंदर डाल के रखा है कि एनक्रिप्टेड फाइल सिर्फ डेस्कटॉप में चलेगी, मैंने चेक किया मोबाइल पे भी चलेगी। एनक्रिप्टेड फाइल्स आप लोग बाद में मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसने लाइव अटेंड नहीं किया पीछे से। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे नई केस स्टडी के साथ। ठीक है।